हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक सिंह और मैं स्वागत करता हूं अपने से यूट्यूब चैनल मिस्टर प्लम्बर एंड इलेक्ट्रिशियन में। गाइस, इस वीडियो में आपने थंबनेल देखा होगा, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो बाथरूम की लीकेज का कारण बनता है वो कौन सी ऐसी वजह है जिसके कारण बाथरूम की लीकेज के वजह से घर में दिक्कत आ जाती है, या दीवारों पर कलर आना शुरू हो जाता है, या दीवारें दरारें देनी शुरू कर देती हैं। जो कि वेस्टेज पाइप जब डालते हैं हम, ड्रेनेज पाइप, तो इस पाइप को डालते समय किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी पाइप कभी लीकेज ना हो, कोई दिक्कत परेशानी फ्यूचर में ना हो, टॉयलेट की वेस्टेज और ड्रेनेज, जो बाथरूम वेस्टेज, वाश बेसिन वेस्टेज, उसका नैनो ट्रिप किस तरीके से लगाया जाता है, उसकी सेफ्टी किस तरीके से की जाती है, आज मैं इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बताऊँगा। जो भाई चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। गाइस, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना, क्योंकि आप कोई ना कोई चीज़ मिस मत कर जाना। क्योंकि जो भी हम फिटिंग करते हैं उसका एक एक इंच का हिसाब हम बताते हैं इस वीडियो में, तो आपको अच्छे से समझ लग जाए। तो इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है 110 mm का, जो कि 4 इंची का पाइप है, कुएं के अंदर जा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जहाँ पे सेफ्टी टैंक नहीं बन सकता, वहाँ पे हमें कुआ बनाना पड़ता है। जैसे ये देख सकते हैं, अब खड्डा है कम से कम 30 फीट गहराई पे, क्योंकि खड्डा निकालने वाले इसके नीचे से रेत निकालते हैं, फिर उसके बाद ये तैयार होता है। गैस, ये हमारा जो 110 mm का पाइप, जो 4 इंची का पाइप है, या टॉयलेट सीट का पीटर इसमें लग के और वहाँ बाहर को टॉयलेट सीट का जो वेस्टेज यहाँ पे इस कुएँ में जाएगा। आप देख सकते हैं, ये 4 इंची का पाइप सीधा गहराई में कम से कम 30 फीट गहराई थी इसकी, ये आपको दिखाई दे रहा है, जो कि ये कुएं का जो सारा है। तो अब मैं आपको गाइस दिखाता हूँ जो इसी बाथरूम की ड्रेनेज पाइप सिस्टम। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने वाइटी लगी हुई है। ये जो सामने ऊपर का टुकड़ा निकला है, ये हमारा नैनी ट्रिप का है, जो वाश बेसिन का, और ये दूसरी वाइटी हमारे बाथरूम के अंदर जा रही है, और ये वाइटी इधर को एल्बो लगा करके और नैनी ट्रिप लगाया, ये है कपड़े धोने का वॉशिंग एरिया। ये आप देख सकते। गाइस, आपको मैं एक मिनती दिखाता हूँ, इसका नाप कितना होना चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा है गाइस, 7.5 इंच नाप है, जो कि दीवार से नैनी ट्रिप का सेंटर 7.5 इंच है। मैं आपको अच्छे से डिटेल देता हूँ इसकी। गाइस, जब टाइल लग जाते हैं, ये 7.5 इंच बिल्कुल वाश बेसिन के पेडेस्टल के बीच में आता है। और गाइस, ये आपको दिखाई दे रहा है 2.5 इंच एक राइट दीवार से, और 2.5 इंची हमारी सामने दीवार से मैंने बाथरूम वेस्टेज का नैनी ट्रिप रखा हुआ है। क्योंकि इससे क्या है कि जो अगर हम बिल्कुल साथ लगा देते हैं तो टाइल वगैरह लग के हमारा नैनी ट्रिप टाइल के नीचे रह जाता है और लीकेज का चांस ज़्यादा बनता है। तो आप देख सकते हैं, हमने इस तरीके से बाथरूम वेस्टेज का नैनी ट्रिप लगाया है। और मैं आपको पी ट्रिप का नाप बताता हूँ पहले। जो ये पी ट्रिप है, हमारा पीछे की दीवार से 13 इंच सेंटर है। और गाइस, इसकी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इसकी वीडियो टॉयलेट सीट इंस्टॉल करते की बना रखी है, आप जा कर के देख सकते हैं। गाइस, आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, मैंने पाइप के चारों ओर ईंट लगा दिए। गाइस, ईंट लगाने से बहुत अच्छी से सेफ्टी हो जाती है। अगर आप पाइप के ऊपर ढलाई नहीं करते तो आप अकेली ईंट लगाकर भी इसमें इसे छोड़ सकते हैं, मिट्टी डाल सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी इसमें खुदाई वगैरह करता है, सबसे पहले पाइप को नहीं, पहले ईंट को, कोई भी अगर आपका फावड़ा होता है वो ईंट पे ही लगेगा, जो कस्सी होती है, तो इसलिए पहले ईंट से अच्छे से कवर कर लें। यह आपको दिखाई दे रहा है जिस तरीके से मैंने ये कवर किया है। गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा, जब ढलाई करते हैं तो नैनी ट्रिप को किस तरीके से सेव किया जाता है। ये देखिए, नीचे से मैंने नैनी ट्रिप के मिट्टी निकाल दी है और नैनी ट्रिप के नीचे हम कंक्रीट को भर देंगे पूरे अच्छे तरीके से। गाइस, ये हम जो कंक्रीट का मसाला बनाते हैं, पूरा तेज मसाला होना चाहिए, जो पाइप के नीचे देते हैं या पाइप के साइड से पाइप को कवर करते हैं। तो आप देख सकते किस तरीके से मैं कंक्रीट से कवर कर रहा हूँ इसको। ये कंक्रीट से बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी करने के साथ उसके नीचे मसाला पहुंचा दें, जो कभी भी आपको दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं, ये देखिए, मैंने अब इसके बाद इसको
साइड पे ईंट लगा दिया और कंक्रीट उसके साइड पे ऊपर डालना शुरू कर दिया। ये गाइस सबसे बड़ी सेफ्टी है जो कि नैनी ट्रिप की वजह से ही बाथरूम की लीकेज शुरू होती है। तो आपको मैं यही सलाह दूंगा, जब भी आप पीवीसी वेस्टेज डालते हैं ड्रेनेज सिस्टम, तो इसकी सेफ्टी जरूर करें। सो गाइस आपके सामने मैंने ये दिखाई दे रहा है आपको, मैंने कंक्रीट डाल कर बिल्कुल रेडी करके दिखा दिया है और कंक्रीट भरने का मैंने तरीका भी आपको अच्छे तरीके से बताया भी आप किस तरीके से कंक्रीट को भरा जाता है। और ये हमारा बाथरूम का वेस्टेज जो पाइप है नैनी ट्रिप का पॉइंट, और यहाँ से गाइस हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। और ये देखिए यहाँ पे टॉयलेट सीट का पॉइंट किस तरीके से दे रखा है मैंने, आप देख सकते हैं पूरे अच्छे तरीके से, जो हमने पीटरप अच्छे से ढलाई से कवर कर दिया है। आप भी अच्छे तरीके से गाइस ऐसे ही परफेक्ट तरीके से कंक्रीट भर के उसको पूरा सेफ कर दें, जो कि कभी भी प्लम्बर के ऊपर उंगली ना उठे। हाँ पाइप में दिक्कत आ जाए वो बात अलग है, प्लम्बर के ऊपर अगर उंगली उठती तो बहुत मार्केट पे फ़र्क पड़ता है। तो अगर एक बार कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर बार बार कोई नहीं बुलाता। तो गाइस अब मेन मैं आपको लीकेज का कारण बताता हूँ। सो गाइस आपने वीडियो देखी, मैंने आपको वीडियो में नैनी ट्रिप को किस तरीके से सेफ किया जाता है इसके बारे में अच्छे तरीके से बताया। सो गाइस नैनी ट्रिप को अच्छे तरीके से कवर करने का क्या बेनिफिट होता है कि गाइस जब कोई भी कचरा फंसता है, क्योंकि क्लाइंट के घर में जब भी कोई कचरा कुचरा नैनी ट्रिप में अटक जाता है, तो इसमें क्या दिक्कत आती है कि जो क्लाइंट होता है कभी उसमें से सरिया डालता है, कोई कुछ डालता है कि उसमें से क्रॉसिंग हो करके उसका कचरा बाहर निकले। तो गाइस ये काम जब होता है तो नैनी ट्रिप जो टूट जाता है, तो टूटने की वजह से अगर नीचे होल हो जाए तो जो सारे अगर बिल्डिंग के अंदर जो नैनी ट्रिप लगा हो तो उसमें भी दिक्कत बहुत बुरा हाल हो जाता है अगर वेस्टेज हमारी बिल्डिंग के नीचे घुसता रहे। तो इसी तरीके से एक घर में ऐसा ही केस आया था मेरे पास, जिसमें क्या था कि उन्होंने सरिया डाल के नैनी ट्रिप की ऐसी की तैसी कर दी थी, पर उसके बाद फिर उसको सारे बाथरूम को जो तोड़ा फोड़ी शुरू करके उस सारे बाथरूम के ड्रेनेज सिस्टम फिर से दोबारा डाला था। इसी एक गलती के कारण कि वो उस वजह से जो उन्होंने सरिया वगैरह मारा था उसके वजह से वो दिक्कत में आ गया था, कि वो जब टूटता है तो टूटने के बाद लीकेज तो होती है। तो वो एक बिल्डिंग का एक हिस्सा था साइड पे, इतना है कि बड़ी बिल्डिंग में नुकसान नहीं है, सिर्फ एक बाथरूम की दीवार ही दरार दे चुकी थी। तो इस चक्कर में फिर वो ड्रेनेज पाइप फिर से डालना पड़ा। तो गाइस एक और कारण होता है जब लीकेज का, मैं आपको बता रहा हूँ गाइस आप अच्छे समझ लेना, कि जब हम ड्रेनेज पाइप के टुकड़े नैनी ट्रिप से ऊपर वो खड़े करते हैं, तो उसके बाद जो मार्बल लगाने वाले मिस्त्री होते हैं, मार्बल टाइल्स लगाने वाले, तो वो क्या करते हैं कि अपनी टाइल को ऊपर से ही, मतलब वो हमारे पाइप के टुकड़े को काट देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर से टाइल क्रॉस कर देते हैं, फिर वो उसमें से होल निकालते हैं। तो गाइस ये सबसे बड़ी गलती है, जो वो पाइप के टुकड़े काट देते हैं। ये टुकड़े को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे क्या है कि अगर जो हमारा पाइप का टुकड़ा सीधा ऊपर को खड़ा हुआ हो वो कितना बेनिफिट है, और उसमें गाइस मान के चलो 4 इंच का गैप होगा टाइल और पाइप के टुकड़े में, तो बीच में हमारा ओनली सीमेंट हो, तो वो कितना हमें बेनिफिट देगा या नुकसान देगा वो आपको मालूम पड़ ही जाता है, क्योंकि हमारे कागज में क्या है कि वो गलत है। अगर टाइल से कम 3 इंच 4 इंच डाउन में काट देते हैं टुकड़ा, उसके ऊपर से टाइल क्रॉस कर देते हैं, वो बिल्कुल गलत काम है। तो वो लीकेज होने का पहला कारण है, जो कि जब सीमेंट कुछ टाइम बाद जड़ना शुरू हो जाता है, तो जब सीमेंट जड़ जाता है तो टाइल के साथ साथ पानी जाता रहता है, उसके बाद जो नीचे की मिट्टी बैठती जाती है, उसके बाद फिर ड्रेनेज पाइप की भी जो ड्रेनेज पाइप डाली होती है वो भी नीचे को होती जाती है। अगर वो स्लोप से उल्टी हो जाती है पाइप, जिस तरफ से वो डाल दिया होता है पाइप का, अगर वो उससे उल्टा हो जाए तो उसके बाद तोड़ा फोड़ी का काम शुरू हो जाता है, क्योंकि पानी डालकर मिट्टी बैठ गई, जो पानी चला जाता है तो मिट्टी तो बैठ जाती है, उसके बाद नैनी ट्रिप वगैरह भी दब जाते हैं नीचे, तो स्लोप ऑटोमेटिक उल्टा होता है और पानी आगे को निकलता नहीं, उसी के अंदर बाथरूम के अंदर या अपनी बिल्डिंग के अंदर घूमता रहता है। तो गाइस ये सबसे पहला कारण है, इस कारण को आप अच्छे से रिपेयर करेंगे तो आपको कभी भी बिल्डिंग में दिक्कत नहीं आएगी। जो हम टुकड़े निकालते हैं गाइस, वो हम कम से कम 1.5 फीट ऊपर निकाल देते हैं, तो
टाइल से कम 4-5 इंच ऊपर आ जाए फ्लोर का लेवल, आपको मालूम पड़ ही जाता है कि जब किसी भी क्लाइंट के घर लगते हैं तो फ्लोर का लेवल अच्छे से ध्यान से चेक करके तो ऊपर को टुकड़ा कम से कम 5-6 इंच का निकाल दें, और जो उसकी नैनी ट्रिप की जाली लगाते हैं वो प्लम्बर भाई खुद लगाया करें। जो टाइल वाला मिस्त्री को छोड़ देते हैं ना, तब ये दिक्कत आती है लीकेज की। तो गाइस इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, तो कभी भी आपकी जो बिल्डिंग हो गए या बाथरूम हो गए उसके नीचे कभी भी लीकेज का सिस्टम नहीं बनेगा। तो अगर कोई प्लम्बर की गलती हो वो बात अलग है कि जो पाइप में कोई छेद हुआ मिल जाए या कैसे भी डैमेज पाइप फिट कर दिया जाता है, कभी कभी हो जाता है, गलती हो जाती है, पर वो सिस्टम अगर हो जाए उसकी बात अलग है। पर जो एक्चुअली में जो हमने अच्छे से प्रोफेशनल काम किया हो तो ये गलती रह जाए तो इसका भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। सो गाइस मैंने आपको लीकेज के बारे में बताया भी, लीकेज को बचाने से मतलब किस तरीके से बचा सकते हैं अपने बाथरूम या अपनी बिल्डिंग को, मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और गाइस वीडियो को शेयर ज़रूर करा करें, आपके शेयर करने से मुझे बहुत हेल्प होती है, और वीडियो को लाइक करें, और आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर अच्छी ना लगी तो डिसलाइक कर सकते हैं, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।